की लागे सजा, तेरा साथ हो ये सजा लागे जजा, तो बढ़ते जाए रस ते सारे से जब हम कॉलेज लाइफ के अंदर आए तो हम दोनों साथ ही होते थे। उसके बाद फिर हमने अपना एक बैंड बनाया, उसके बाद हम लोग ने सिंगिंग स्टार्ट कर दी। ये हमारे बड़े जबरदस्त गिटारिस्ट हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, जहाँ से मतलब जी, 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 तो फिर मतलब आपको अच्छा लगता था या मतलब वैसे ही आपने फैशन की तरह हम लोगों के लिए, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हमारी हर चीज में म्यूजिक इंक्लूड हो जाए। कोई भी ड्रामा हम बनाते हैं, कोई भी फिल्म बनाते हैं, तो उसमें म्यूजिक जरूर डालना पड़ा। अच्छा वैसे जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो मतलब एक ये शौक आपका अब जज्बा बन गया है जी, बिल्कुल कि मतलब इसको आपने आगे चलना है, आगे कंटिन्यू करना है। बिल्कुल चलने, अच्छी बात है, हम दुआ करेंगे। अच्छा मुझे बताएं आप कौन सा गाना सुनाने वाले हैं हमें, कोई ऐसा गाना सुनाए जो बहुत अच्छा हो, हमारे जो ऑडियंस है उनको भी बहुत अच्छा लगे। जो आपको अच्छा लगे ही जाएगा, मिलो तो सही रास्ता कोई मिल ही जाएगा, चलो तो सही, चलो तो सही, एतबार भी आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। बार भी आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। क्या हुआ अगर जिंदगी जरा उलसी गई, सोचो तो जरा, जंगलों में भी रास्ते तो है, हमें भी कोई मिल ही जाएगा, चलो तो सही, चलो तो सही, प्यार प्यार भी हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। अच्छा मुझे ये बताएं आदिल, जब आपने शुरुआत की तो घर वालों की तरफ से कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं था? नहीं, घर वालों की तरफ से शुरू से कोई इस चीजों में ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं है।
हम लोग इस तरह के मतलब ज्यादातर हम इसी फील्ड में होते हैं, मॉडलिंग के अंदर, सिंगिंग के अंदर, शुरू से हम लोगों का यही शौक है। तो कोई रोक टोक नहीं है, बस सपोर्ट है म्यूजिक के हवाले से, लेकिन ये प्रोफेशन नहीं, सिर्फ शौक के हवाले से हम लोग करते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब आप लोगों को एक सपोर्ट मिला हुआ है कि आप मतलब इसको आगे चीयर अप करें और आगे बढ़े। चलो अच्छी बात है, मतलब घर वालों को भी गाने हमारे पसंद आते हैं अक्सर, वो भी बैठ के सुनते हैं। कोई पार्टी वगैरह होती है, कहीं दावत वगैरह होती है, तो हमें लाजमी बुलाया जाता है। ताहा मलिक, वहाँ पे भी हम ताहा मलिक ने गाने की रिक्वेस्ट करी है आपके पास। अच्छा, तो हमारे पास आगे से कॉल आई है कि ताहा मलिक ने आसिफ आसिफ असलम भी वैसे हमारे दोस्त हैं। मैं आपको मिलवाती चलूं बाबा से। ये है हमारे दोस्त, बहुत अच्छे हैं, अजीज हैं। ये है आदिल और ये है जाजी। हम इनको जाजी कहते हैं लेकिन वैसे ये जाजीब है। अच्छा जी, तो मैं आपसे पूछती हूँ कि मतलब ये आपका जो मतलब ये शौक है, ये कब तक है और मतलब कैसे है? तो लास्ट टाइम जब तक सांस है तब तक है। चलो बहुत अच्छा, तो बाबा आप बताएं मुझे। मुझे भी शौक है, बाबा भी हमारे साथ गेम में ज्वाइन करते हैं, व्यक्ति कभी बाबा की गैंग वगैरह में। मतलब बाबा आप भी दोबारा स्टार्ट करना है? कहीं हम पिकनिक पे जाते हैं तो भी बाबा हमारे साथ होते हैं, ऐसा क्या होता है? सही सही, मतलब फिर आज मैं आपको कौन सा सॉन्ग सुना रहे हैं? आप ब्रेक पे जा रहे थे तो हमने आतिफ असलम का कोई सॉन्ग था। आतिफ असलम का तो एक ही कोई देखो किसी का मैसेज सुन रहा। तो हम जो है इस बार आदत का आदत इसको देख के पहली दफा किताब पढ़ने गए और बाबा मल्टी टैलेंटेड बॉय है। अच्छा माशाल्लाह, सर बाबा हमारे गेमिंग में भी होता है और काफी पुराना साथ है इनका। अच्छा अच्छा, क्योंकि टाइम लाइफ के अंदर थोड़ा सा शॉर्ट होता है, तो इसलिए जो ना हाफ गाने गाने पूरा पूरे पूरे गाने में बंदा जो ना एक बैठे बैठे मजा ही होता है। बस सिंगिंग वगैरह करते हैं कुछ, सिंगिंग के अलावा हमारे और भी शौक है, उसके अलावा मॉडलिंग वगैरह करता हूँ मैं, ये भी होते हैं अक्सर हमारे साथ। अच्छा। तो उसके अलावा ही कुछ यूट्यूब वगैरह पे भी ड्रामे वगैरह चल रहे हैं हमारे चैनल पे, आगे छोटे के ऊपर, तो वो भी हम लोग कर रहे हैं। इंशाल्लाह अभी नए प्रोजेक्ट आने वाले हैं और भी अभी शूट हुई है वो घर हमारा, टूटा है बिखरा है जैसे सितारा, ये आवाज सुन लेना मेरे गीतों में तुम, वो अल्फाज चुन लेना जो जाते थे रूम, मेरा प्यार तुम ही हो, तुम ही तो हो जाना, मेरे साथ तुम ही हो, तुम ही तो हो बोला ना तेरा दे कैसे बुलाए, टूटा है जो दिल वो रोए रुला दे, ये अल्फाज सुन लेना मेरे गीतों में तुम, वो अल्फाज सुन लेना जो जाते मेरा प्यार।
तो हो जाना, मेरे साथ तुम ही हो, तुम ही तो हो, बहुत चला था एक टाइम का गाना और बहुत ज्यादा सुनते थे सही। तो मतलब आप लोग को ये सॉन्ग बहुत पसंद है, जगह जगह हम ये परफॉर्म करते हैं, बोलेंगे तू भी हम परफॉर्म करते हैं, मतलब आपको भी शौक है कि जल्दी से बस मैंने ये वाला सॉन्ग, ये गाना भी बड़ा अच्छा है, अच्छा नहीं करते तो भी हम गा लेते, चलिए ये बहुत अच्छी बात है। वैसे हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हम आते हैं। नहीं नहीं अभी सुनाओ 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 सर, मुझे बताया। अच्छा आप बाबा, आपको कोई गाना पसंद है, कोई ऐसा सॉन्ग जो मतलब आपके दिल को? मैं ज्यादातर रॉक गाने पसंद करता हूँ। भाई जो जो देख रहे होंगे नाम तो लो, लाइव जो देख रहे हैं सबके नाम लो, ईशा जो जो देख रहे होंगे नाम ले लो। कौन सा गाना है नाम बताए, नाम हमारे पास कॉल आ रही है, नाम बताए कौन कर रहा है, नाम बताओ। फैजान मजीद, फैजान मजीद ने फरमाइश करी है, किस सॉन्ग की है आप सॉन्ग, इसमें से देख लो पढ़ लो कौन सा सॉन्ग है आप मुझे बताएंगे। फैजान मजीद से पूछ लें, आप खुद ही पूछ लें, कौन सा गाना शुरू हो गए फैजान मजीद से पूछ लो। तुम्हारी तस्वीर के सहारे, हां तो बस आप पास सॉन्ग है, हमें इतना याद है, याद है फैजान को खुद ही बोल दो, सबके नाम लो यार, सबके नाम लो, जो जो देख रहे हैं पुराने याद नहीं है मुझे, इसका एक डायलॉग याद है, तुम्हारी तस्वीर फैजान मजीद के लिए हम कोई और सॉन्ग गा देते हैं, उनके लिए कुछ गा देते हैं जो उनके लिए डेडिकेटेड है। चाहे यारा बता ना पाए, बातें दिलों की देखो जो बाकी, कैसे तुझे समझाए, तू जाने ना, तू जाने ना, बताए क्यों तुझको चाहे यारा बता ना पाए, बातें दिलों की देखो जो आती, जग तुझे समझाए, तू जाने ना।
जाने क्यों चलता है दिल मेरा जैसे शम्मा हो जैसे कोई दिया काश तुमसे कहने तो जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है ना सिंपल सिर्फ चलिए हम फिर ब्रेक पे जा रहे हैं उसके बाद आएंगे तो बाबा आपसे मैं पूछना चाहूंगा आप सिर्फ बाबा हैं हमारे साथ इस वक्त मौजूद जो मतलब डायरेक्शन वगैरह भी दे चुके हैं सॉन्ग वगैरह भी प्रिंस वगैरह करते हैं वीडियोज वगैरह बनाते हैं तो आप ये कब से कर रहे हैं काम हमने पहला गाना जो दिखाया था वो था अपना मैसेज था जो लोग अनलीगल तरीके से जाते हैं ना उनके साथ क्या होता है इसी से मुझे शौक हुआ वहाँ पे मैंने फिर ये एक्टिंग करी थोड़ी सी हमारी टीम में होते हैं आलू चोले की अभी हमारे साथ बहुत सारे ड्रामे किए शूट में आगे भी आपको देखने को मिलेंगे तो तहा मलिक आपका कैसा रिस्पॉन्स रहा आपको कैसा लगा हमारा चैलेंज का और हमारी टीम का कैसा लगा बहुत अल्लाह करे इंशाल्लाह इससे अच्छा अच्छा मुझे आप सबको और हमारी टीम है माशाल्लाह से इतनी बड़ी और इंशाल्लाह और भी एक और होगी ये नहीं हार गए मैं तो जो है जमा से आ जाएंगे तो इंशाल्लाह वो भी ऐड होगी ईशा हमारी टीम में काफी पहले से हैं तो आप बताएं आपको कैसे लगता है हमारे साथ काम वगैरह करना आपको हमारी टीम वर्क कैसा लगता है हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है काम करना आप तो हमारी काफी सारी फिल्मों में आती बस मतलब यही है कि बस एक शौक है जी जी बिल्कुल बिल्कुल आप कह सकते हैं दूसरा ये कि बस हमारे दानिश भाई हैं उनका बड़ा शुक्रिया करना है और प्लस ये फैसल बेग है जिन्होंने हमें इस जगह पे लेकर आए प्लस आज हमें यहाँ खड़ा किया हुआ है और माशाल्लाह से लोग हमें लाइक कर रहे हैं उनके साथ काम करने का मजा भी बहुत उनके साथ काम करने का एक अलग ही अपना स्टाइल है वो हल्दी को भी आपका काम बना के पेश करते हैं ऐसी फिल्म बनेगी न्यू मेंबर मौजूद है इन्होंने भी हमारी टीम को अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है महा आप बताएं अभी आप आने वाले ड्रामों में या कुछ करेंगी हमारे साथ क्या कहना चाहती हैं सलाम तो अभी बढ़ेगी कमेंट में आएगा फिर वहां से
तो आपको हमारी टीम कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी, और मुझे ये आपके सर बहुत अच्छे लगे सर दानिश, ये माशाल्लाह स्टोरीज बहुत अच्छी टीचर भी रहता है सर, अपने बारे में बताया सर, अपने बारे में बताया सर। तो आप अभी बताते हैं ऑफिस में आपने शौक बस एक्टिंग की है, टिकटॉक स्टार बनने का शौक है, इनको इन फ्यूचर ही टिकटॉक स्टार होंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ। और ये हमारे बहुत मशहूर गिटारिस्ट हमारी महफिल होती है, महफिल होती है, जब मैंने बहुत मुश्किल से मैंने अपने आप को रोका हुआ क्योंकि जगह थोड़ी सी कम पड़ गई, हमारा काम बहुत बड़ा है, मैं कैसे बचाऊं गिटार से, इसलिए मैंने कहा थोड़ी सी पहले बात हो जाए हम लोगों से, फिर बीच बीच में आपको कुछ सॉन्ग वगैरह सुनाएंगे। और हमारी टीम में फैजान मजीद भी होते हैं, उन्होंने भी हमें भी रिसेंटली शादी हो गई तो आ नहीं सके जहाँ से, हाँ वो फैजान भाई, फैजान मजीद जो है ना वो आ नहीं सके, उनकी शादी हुई है माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो फैजान मजीद, अभी नहीं नहीं हुई इस चक्कर में वो आ नहीं सके, अभी हम आपके लिए सॉन्ग भी डेडिकेट करेंगे, अभी आ नहीं सके तो ऐसे बंदा वो भी हमारे साथ जगह होते हैं मौजूद, तो इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट टाइम इतना पहले अच्छा ये जन्नत नूर ने कोई ओल्ड सॉन्ग की फरमाइश करी है, जन्नत नूर बैठी है अभी हमें देख रही, इन्होंने ओल्ड सॉन्ग की कोई फरमाइश करी है, तहा मलिक ने आतिफ असलम की करी है, और उस वक्त सैफ जे भी बैठी है, उन्होंने भी एक आतिफ असलम के सॉन्ग की फरमाइश की थी, उसका तो आतिफ हुआ है, आतिफ असलम बहुत चल रहा है, आतिफ असलम भी आए जा रहे हैं सर, लगता है आतिफ असलम की जलपरी की पूरी एल्बम हमें दोबारा करनी पड़ेगी, बच्चों से भी मिलवा देते हैं, बच्चे भी आ गए हैं, एक-एक करके जाओ हमारे छोटे-छोटे स्टार आ गए हैं, अच्छा नाम है इनका, आप कुछ बोलना चाहिए लेकिन प्यार से हफ्ता कहते हैं, आप कुछ बोलिए जगह अपना वो डायलॉग यहाँ पे, मेरी मम्मा कहती है कि यहाँ मत आना, वो वाला डायलॉग आप बोल के लिए बोले अच्छा चले आलू छोले बोल के दिखा दे, सुंदर सिखाया यार, आप भी आ जाओ आगे, अभी सैनब आ गई है, फातिमा समीन एक और चाइल्ड स्टार वो चला गया अयान की तरफ, अयान अयान कहाँ पे, अच्छा अयान को कितनी सदियां किसका मैसेज आया, कितनी सदियां ये हमारे लोग पीछे बैठी जगह छोटी पड़ गई, हमारे एक और मेंबर ने भी ज्वाइन किया जहांगीर अकबर, वो पीछे कैमरे के पीछे ही काम हो गया, खतरनाक काम करते हैं, वो जहांगीर अकबर बहुत अच्छा कैमरा चलता है, तो एडिटिंग वगैरह जहांगीर अकबर बहुत अच्छी करते हैं, अच्छा ये भी तो हम आपको दिखाना चाहेंगे जो हमारी एडिटिंग वगैरह करते हैं, लेकिन वो आ नहीं रहे, वो कैमरे के सामने नहीं आते, तो हमारे पास जो है ना सर कैमरे की और जगह की थोड़ी सी, हमारा स्टाफ माशाल्लाह से बहुत बड़ा, काफी सारे मेंबर हमारे आए हैं,
हजार के करीब मेंबर्स हैं नई नई फिल्मों में नए नए चेहरे देखने को मिले, जैसे हिमेश रेशमिया बनाता था ना दिन के हिसाब से पांच पांच गाने, इस तरह जो है बॉस बना सकते दिन के हिसाब से दस दस फिल्म होंगे, इतना की हम यहाँ बार बार आए जा रहे हैं, आपको नए नए कैरेक्टर हमारे टीम को काफी सारे लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं, हम लोग अभी इतने लोगों को रख नहीं पा रहे क्योंकि अभी यहाँ पर थोड़े प्रोजेक्ट कम है, इंशाल्लाह आगे जाके बुलाएंगे बाबा से, तो अब डर लगने लगा जब तो बस टिकटॉक की आईडी शेयर करवा दो किसी से। कुछ कहे आप हम सबके बारे में कहे कि मतलब आप जो हमारे ड्रामे देखती हैं और मतलब जो आप आने वाले हैं इंशाल्लाह। वैसे तो खैर सारे ही हैं ड्रामे वाले, लेकिन एक जो ड्रामे बनाती है उसके साथ क्या बात है ड्रामे बाज, मतलब हम सारे बड़े ड्रामे बाज है, तो इंशाल्लाह चैनल बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह और आगे और चलता रहेगा, जिसमें ड्रामे बाज आते जाएंगे जमा होते जाएंगे तो जी बिल्कुल बिल्कुल अच्छा आप कोई सॉन्ग कर रहे हैं फैजान के लिए हमें गाना गाना है, क्या करेगा फैजान राजा का प्यार तेरे सहारा तेरे बाप सब 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 एक जन्नत नूर ने ओल्ड सॉन्ग की फरमाइश करी थी, वो काफी देर से बोली मेरे ख्याल में अहमद जासिफ का गाना बोला चुरा लिया है तुमने जो दिल को नजर नहीं चुराना सनम बदल के मेरी तुम जिंदगानी कहीं बदल ना जाना सनम अब मेरे बदल जाए ये दिल कहीं सी तमन्ना में बाहर बन के आऊं कहीं सी दुनिया में बदल जाए ये दिल कहीं सी तमन्ना में आ तुम मेरे हो आ तुम मेरे हो आज तुम इतना वादा करके जाना चुरा लिया है तुमने जो दिल को नजर नहीं चुराना ये फैजान के लिए भी एक तरीके से फैजान मेरी तारीफ नहीं कर रहा है, मैंने सुना है थैंक यू फैजान कितनी सदियां नीले नीले अंबर की गाड़ी पहले एक बार फरमाइश यही सदी ने नीले किसने फरमाइश आई थी इंडियन की बहुत फरमाइश आई है कितनी सदियां कितनी सदियां नहीं आ रहा है
कितनी सब दुनिया ना जाने खामोशी से भी गुजरती रहे वक्त के कहते दरिया में जब तक सांस रहे तू है तेरी सब बात हरा
क्या देखा तुमने मेरे में, क्या देखा
सपने देखे मेरा मेरा जज्बा देखा मेरा टूटा हुआ दिल देखा तुम्हें प्यार मुझसे नहीं है प्यार मुझसे नहीं है प्यार मुझसे नहीं है मैं तुमसे दूर चला जाऊं या पास चला हूं इकरार तुमसे नहीं चेहरे हजारों हैं इतने उदास निगाहों में तुझे क्या देखा क्या देखा Oh,
सारे लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। आलू चोले हमारे नए आने वाले प्रोजेक्ट को देखना था और करीब आप ये आलू चोले का गाना भी सुनेंगे। Just for fun. वाह 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 क्या बात है यार, यार इसका गाना है ऑफिशियल सॉन्ग तैयार करेंगे फिर वो ये किसी प्रोजेक्ट के बाद ओनली फॉर टाइम पास आपको दिया है टास्क दिया जैसा है अपने टीचर से कि आलू छोले के कोई गाना ना है इन्हें बनाने का कुछ भी बना सकते हैं लाइफ अगर हम अच्छा फरमा जाइए छोटी सी बच्ची की इसका नाम है ज़ैनब तो बोले हो सकता है कल वो मुझको वक्त वहाँ ले जाए मैं शर्माऊं देख के उसको वो मुझसे घबराए हो सकता है कल वो मुझको वक्त वहाँ ले जाए मैं शर्माऊं देख के उसको वो मुझसे घबराए मैं कह दूंगा दिल भर मैंने शायद देखा है तुम तो कहीं आलू छोले आलू छोले आलू छोले आलू छोले
बाबा बहुत अच्छी बिक्री वगैरह भी कर लेते भाई। मैंने तो फैजान का भी सुना है। फैजान इस वक्त हमारे साथ आए नहीं है, वरना फैजान जो है मेरे ख्याल में हरीश पुरी की, हमारे शाहरुख खान की और सनी देओल की तो क्या कमाल आवाज दिखाते हैं। मार्शल आर्ट्स वगैरह भी करते हैं ना फैजान के। मारना नहीं भाई, बात जितनी फिल्म की बहुत अच्छी करवाते हैं किसी ने मास्टर की है फैजान देख के बाबा से कुछ लगता है। इस बार फैजान तो हमारे पास मौजूद है नहीं कि वो आपको मेरी सुना सके। बाकी बाबा है हमारे पास, वो खतरनाक बाबा जो है अभी हमें मिमिक्री सुनाएंगे। बाबा किसकी सुनाना चाहेंगे? गुलशन ग्रोवर की। गुलशन ग्रोवर की मिमिक्री सुनाएंगे। हमारे चैनल को देखने के लिए आया हो तुम लोग, सब्सक्राइब नहीं कर रहे ना, लाइक कर रहे हो यार। बाबा जी मिमिक्री पे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाकी अगर फैजान होते तो वो और ज्यादा अच्छी आवाज है। फैजान अमरीश पुरी और गुलशन ग्रोवर की किसी दिन हम करवाएंगे चलो मैं पीछे चंद लम हाथ के वास्ते सही मुस्कुरा कर मिली थी मुझे जिंदगी। ओ चंद लम हाथ के पर में होते
बहुत अच्छी बातें की ईशा और माँ ने आपस में। अच्छा गाना गाया वैसे अपने तौर पे देखा जाए तो अच्छा गाना गाया है। बड़ा अच्छा गाना गाया है। ठीक है, तो अभी हम नया प्रोजेक्ट कोई आ रहा है मेरे ख्याल में, यहाँ मत आने का तीसरा पार्ट की तैयारी चल रही है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बाबा का रोल बड़ा डरने लगी हूँ अब कभी कभी, तो जैसे मैं इस घर में आ रही हूँ, जिस घर में हम ड्रामी की शूटिंग हुई है वहाँ से तो वाकई में बहुत डर है। मुझे तो पापा से वैसे ही डर लगने लगता है, इसलिए दूर दूर बैठता हूँ मैं। मैं सुबह सो के उठता हूँ, देखता हूँ शीशे देख के चौंक जाता होता है। अरे अभी हमारे चाइल्ड आर्टिस्ट जो है इनकी भी अभी कुछ फिल्म है, स्टोरी मेरे ख्याल में इनकी गेम बॉय छोटी सी एग्जांपल सुनाता हूं, जो है बहुत ज्यादा पीछे अपना कैमरा रखने पड़ गया हमारे काल में, आधे कमरे में आ गया हमारे मेंबर। तो अभी एक गाना हम गाएंगे तो ऑटोमेटिकली सारे वो भी हमारे साथ आए, डायरेक्टर जी हैं वो उनके थोड़ा सा मसला है, डायरेक्टर की समय टांग में चोट लग गई है तो याद है मुझको तूने कहा था तुमसे लाइव है।
शादी न करना यारो पछताओगे सारी लाइफ, शादी न करना यारो पछताओगे सारी लाइफ। इसके लिए दूसरा सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं जो जाजी और आदल और हादी, वो तीनों अपनी प्यारी सी आवाज में हमें वो गाना सुनाएंगे। नींद तो वाकई आ रही है, कैसे आ रही है ना, बहुत टाइम हो गया। हां आ रही हूं, वैसे भी इतनी जल्दी सोने वाले हैं। मेरे मोबाइल से एक गाना सुना दिया लग रहा मुझे, सो रहा है तू, सो रहा नहीं क्या कह रहा है, काश तू ऐसे आए जैसे कोई
आप में यकीन करें बहुत मजा आया। आपको अगर हाथी की आवाज में सुनना है तो इसको जो है बहुत तकलीफ है। किसी का रोल है तो गाना सुना देते हैं। इस वजह से हम लोग थोड़ा उसका छोटा छोटा पार्ट गा रहे हैं। मुझको भी ना लगे
अच्छा मेरे ख्याल में बहुत देर से मैं अहमद जादेब के गाने की फरमाइश कर रहा हूँ यार, अहमद जादेब का कौन सा गाना गा सकते हैं? ड्रामे वाला गाना गा, ड्रामे का गाना लैला पास है सब कुछ तुम्हारा है, कहो एक दिन दानिश भाई जो है वो हमारा बहुत हमारा चैनल कोई ज्वाइन करना चाहता है तो हमसे इसी चैनल पे रब्ता कर ले, हम न्यू कमर्स को भी चांस देंगे। इंशाल्लाह हम चाह रहे हैं कि हमारे चैनल पे और नए चेहरे आए ताकि लोगों को नई 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 चीजें देखने को मिले। जी हाँ बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पे और आए हमारे जैसे हमारी टीम को ज्वाइन करें, हमारे साथ एंजॉय करें, क्योंकि हमारे डायरेक्टर और जो एडिटर वगैरह के साथ काम करने में आपको काफी मजा आएगा, सीखने को काफी चीजें सीखने को मिलेगी, काफी चीजें सीखने को मिलेगी। एक बार हम फैजान मजीद को इस वक्त और मिस कर रहे हैं, फैजान इस वक्त हमारे साथ आए नहीं है। अच्छा नहीं, फैजान है अभी जो न्यू फिल्म आएंगी फैजान की शादी हो गया, आप देख लें चले जाते तो जो आ नहीं सके अपनी वजह से,
उधर भी हमारे साथ यहाँ लाइव होंगे और जो लोग हमारे बिल्कुल हमारी टीम भी ज्वाइन कर सकते हैं सबके लिए ऑफर मैं शायद ना हूँ क्योंकि मुझे शायद हॉलीवुड की एक मेरी फिल्म में है तो उसका मैं रोल वगैरह के लिए निकल जाऊंगा जॉन विक चैप्टर 2 बाबा जो है ना हमारी नई फिल्म जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं बाबा थोड़े डरे हुए की इन पे पैसे लगाऊं या नहीं लगाऊं आपको बाबा तैयार हो बाबा की डिमांड है कि फैजान मजीद का होना जरूरी मुझे अब फैजान मजीद यार चीज आ जाना भाई तुम्हारी बात अच्छी आ रही है बहुत मिस कर रहे हैं यहाँ पे इस वक्त हीरा असलम का मैसेज आया कुछ हीरा असलम का मैसेज आया माशाल्लाह हीरा असलम का मैसेज आया माशाल्लाह थैंक यू हीरा असलम मैंने देखा है नोटिस किया बहुत हमारे अच्छे फॉलोवर हैं हीरा असलम तो काफी सारी फिल्म वगैरह भी हमारी देखी है तो थैंक यू सो मच तो हीरा के लिए एक एंड में छोटा लगाना होता है हीरा बिन मैं यू कैसे जिया चाइल्ड एक्टर जो थे हमारे वो थक के चले गए और थक के चले गए जहीर साहब ने तो हमारे चैनल को बहुत लाइक करते हैं तो उनका मैसेज आया था उन्होंने यही कहा कि मुझे बहुत पसंद आया ऐसी खट्टी मीठी बातें होनी चाहिए और ये छोटे से जो ड्रामा है मीठी बातें तो होती नहीं खट्टी मीठी बातें अच्छी रहती है वो भी होनी चाहिए
कड़ी मिर्च वाली जो जहीर खान है वो बहुत अच्छे हैं और हमारे चैनल को बहुत लाइक करते हैं वो, तो उनके लिए भी थैंक यू सो मच जहीर साहब। तो फिर हम उनके लिए भी कोई डेडिकेट करें सॉन्ग। बच्चे बाहर खड़े ना सारे, बच्चों को बुला के बाहर करवा दो। रखो ना इसको। अच्छा तो मेरे ख्याल में अब काफी टाइम हो गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे या सैटरडे वाले दिन हम इंशाल्लाह लाइव आएंगे, तो यहां पे आपको और जिसको हमसे मिलना है वो जरूर आइएगा, और जिसको नहीं मिलना वो भी आइएगा, वो भी आइएगा। आलू छोले का नारा लगा दो, शायद 10 एएम या 11 एएम से लेके शाम तक या शाम से थोड़ा इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा। तो अब हम ये आपके सबके लिए दास अच्छा पकड़ो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिसने हमारा लाइव के पहले अब हम ये आप सबके लिए एक लास्ट सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं, उसके बाद हम यहीं से चले जाएंगे। तो अल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह लास्ट सॉन्ग फॉर यू गाइस, चले स्टार्ट करें। कोई न जाने क्यों ये तन्हाई, कैसी है ये रुसवाई, तुम हो गए तुम हो गए हम, ओ को राते कोई न जाने ये कैसी राते, वो बरसाते भूलिएगा और लाइक करना, चैनल करेंगे तो हमारे चैनल
इंशाल्लाह इसी तरह हम आपको एनर्जेटिक मिलते रहेंगे। थैंक यू। अल्लाह।